हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो टैली प्राइम का है और टैली प्राइम में जो मुझे रिक्वेस्ट आई थी वो इस बात को लेकर आई थी कि सिलेंडर गैस यानी कि जो आप रसोई घर में खाना बनाते हैं उसके लिए जो सिलेंडर यूज होता है वो किस प्रकार से उसकी कीमत लगाई जाती है और उसमें कौन सा जीएसटी लगता है, वैट लगता है, क्या लगता है, तो उसके लिए कैसे एंट्री हम बनाएंगे। तो मैं सेल के लिए एंट्री पास कर रहा हूँ, परचेज में पहले ही एंट्री मैंने पास कर रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये एंट्री मैंने पास की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, दो बार डी प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए ये जो परचेजिंग हुई है ठीक है वो हुई है कैश में। और देखिए 14.2 किलोग्राम का जो गैस सिलेंडर है उसकी 300 क्वांटिटी परचेज की गई है 560 रुपए की। ये खरीद रेट है और इस पर 4200 ठीक है इस तरीके से सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा है। यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगने का जो परसेंटेज है वो 2.5% है, यानी 2.5% सीजीएसटी लगा, फिर 2.5% एसजीएसटी भी लगा है ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री पास हुई है और इसका जब हम बिल देखेंगे तो अल्ट के साथ पी प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और इसका प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ कि कैसा इसका प्रीव्यू दिखेगा। तो यहाँ कुछ प्रीव्यू इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हैं ठीक है। तो ये टैक्स इनवॉइस ठीक है और भारत गैस सप्लाई के जरिए ये जो है इनको ये जा रहा है ठीक है। ये भारत गैस सप्लाई जो है यहीं पर ये सप्लाई होगा और कैश में ये मैंने एंट्री पास की है। तो ये इस तरह से ये एंट्री पास की गई है और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी गैस सिलेंडर पर जो जीएसटी लगेगा उस पर जीएसटी लगता है। गैस सिलेंडर अगर आप परचेस करते हो तो उस पर जीएसटी लगता है, उसकी पर्ची कभी आप खोल के देखिएगा उसमें जीएसटी लगा होता है। तो 2.5% के हिसाब से ये लगता है, कुल मिला के 5% ठीक है। तो अभी बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद अब हमें एंट्री जो पास करनी है वो सेल्स में पास करनी है, यानी अब बेचेंगे हम इसको। तो बेचते समय किस तरह से इसको हम बेचेंगे और क्या किस तरह से एंट्री पास करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले वाउचर में चलते हैं और चलते हैं सेल्स वाउचर में। तो F8 प्रेस कर देता हूं सेल्स वाउचर के लिए। अब यहां पर पार्टी का नेम आएगा, तो यहाँ डेटर पार्टी आएगी। जैसा कि आपको पता है अलग अलग डेटर पार्टी का लेजर आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रितेश है तो रितेश डेटर पार्टी है ठीक है। तो यहाँ पे डी लिख दिया मैंने पहचान के लिए, एंटरप्रेस किया और इसको जाने देते हैं हम सन्ड्री डेटर ग्रुप में ठीक है। तो ये सन्ड्री डेटर कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और यहाँ पर एंटरप्रेस करते हुए इसको भी अप करा लेंगे एक्सेप्ट। पैन नंबर वगैरह चाहे तो आप फिल करिएगा और फिर यहाँ पर डिस्पैच किस तरह किस चीज के थ्रू होगा, कैसे ये जाएगा ठीक है, और कैरियर एजेंट का नाम क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी जाएंगी। तो डिलीवरी नोट नंबर यहाँ पे आ गया और एंटरप्रेस किया, यहाँ पे डेट आ जाएगी और फिर यहाँ पर डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, तो वो यहाँ पे डाल देता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ। किस चीज के थ्रू डिस्पैच हो रहा है ये, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऑटो व्हीकल ठीक है। तो ये डाल दिया हमने और एंटरप्रेस किया। डेस्टिनेशन ये जाएगा कहाँ, तो मान लीजिए ये जाएगा देवरिया ठीक है और एंटरप्रेस किया हमने, एंटरप्रेस किया। कैरियर एजेंट का नाम वगैरह डाल दीजिएगा, मोटर व्हीकल नंबर वगैरह जो भी है, और यहाँ पे पार्टी की डिटेल में आप भर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा, तो ये सेल्स अकाउंट कर देता हूँ, सेल्स अकाउंट और एंटरप्रेस कर देता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ और यहाँ पे सेल्स अकाउंट में जाएगा ये अंडर सेल्स अकाउंट, तो ये सेल्स अकाउंट कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया। टाइप ऑफ लेजर छोड़ देंगे, यहाँ पे एंटरप्रेस करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ पर हमें जो गैस सिलेंडर है उसको ले लेना है, तो ये देखिए 300 गैस सिलेंडर है, तो 300 में से कितनी क्वांटिटी इनको मिल रही है, तो मान लीजिए दो ठो ले जा रहे हैं ठीक है। और एक की कीमत आपको याद है हमने परचेस किया था तो क्या पड़ी थी, तो इसमें थोड़ा बढ़ा करके ठीक है, जो फायदा होता है वो गवर्नमेंट की नजर में होता है। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर पर 200 रुपए, उस व्यक्ति को फायदा हो रहा है जो इसका ओनर है, जो इस एजेंसी का जो है ओनर है, जिसने एजेंसी ले रखी है उसको फायदा होता है। तो सपोज कीजिए कि अभी जो रेट चल रहा है मान लीजिए 870 रुपए का एक सिलेंडर पड़ रहा है ठीक है, तो ये हो गया। और इस पर जो है सीजीएसटी एसजीएसटी आप लगा दीजिए, तो यहाँ पर सीजीएसटी 2.5% के हिसाब से 45 रुपए और एसजीएसटी 2.5% के हिसाब से 45 रुपए ये भी लग जाएगा। तो ये इस तरीके से ये एंट्री पास कर देंगे हम। अब यहाँ पर जो आपको देना है वो दे सकते हैं नरेशन में, फिलहाल नरेशन छोड़ता हूँ, एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। तो ये पास हो गई सेल्स की एंट्री, परचेज की एंट्री पहले ही मैंने दिखाया कि किस तरह से पास होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मैंने एंट्री पास की है सेल्स वाली। अब इसका प्रिंट हम निकाल के देखते हैं, ऑल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे, फिर एंटरप्रेस करेंगे, फिर एक बार एंटरप्रेस करेंगे। अब इसका प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ कैसा प्रीव्यू दिखाई पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं, इसको जूम कर देता हूँ और फिर आपको ये दिखाई पड़ेगा
कि ये किस तरह से हमने टैक्सेस लगाए हैं, तो ये सारे की सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। फॉर भारत, भारत गैस सप्लाई, ये इस तरह से आ गया है और ये इस तरह से हम एंट्री पास कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये एंट्री कैसे पास करनी है और कितना परसेंट टैक्स लगेगा, वैट लगेगा कि जीएसटी लगेगा, ये भी बात आपको पता चल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।